नमस्कार। अब हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है NCERT 2005। वो भी किस लिए? गणित शिक्षण के लिए। तो गणित शिक्षण के प्रति उनका जो उद्देश्य निर्मित हुआ था या जो सुझाव दिए थे उसमें जो मुख्य पॉइंट है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला मुख्य पॉइंट है गणितीय संप्रेषण। तो गणितीय संप्रेषण से तात्पर्य गणित की भाषा का संप्रेषण, आदान प्रदान। जैसे जो सिम्बल्स हैं, जो डिजिट्स हैं, जो यूज़ हो रहे हैं, गणित की लैंग्वेज आपने पढ़ी है कि गणितीय भाषा किसे कहते हैं, उसका आदान प्रदान गणितीय संप्रेषण होता है। इसका आपको क्या करना है, इसको आपको ज़्यादा डेवलप करना है। फिर है अंतरवैश्यिक संबंध। अंतरवैश्यिक संबंध से तात्पर्य एक से अधिक विषयों को एक साथ समावेशित ढंग से पढ़ाना, अर्थात उनमें संबंध स्थापित करना और एक ही कक्षा में विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान को भी देना। तो यहाँ पे ये भी बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर है कल्पना एवं तर्क का विकास करना। फिर है सामाजिकरण। सामाजिकरण में आपका आता है सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित व गणित है जो सामुदायिक कार्यों में आपके कार्य आते हैं। जैसे आपका लिंगानुपात आपको जानना है कि कितना रेशियो है महिला पुरुष का, उसमें भी आप सामुदायिक गणित यूज़ कर सकते हैं। लेन देन की बात है, उधार बाड़ी आप देते हैं तो उसमें भी सामुदायिक गणित यूज़ करते हैं। व्यवसायीकरण जो होता है उसमें भी सामुदायिक गणित यूज़ होता है। तो वो सारी चीज़ें उच्च उद्देश्य है। यहाँ पे गणित के जितने उच्च उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति यहाँ पे NCERT ने बोला कि इसकी प्राप्ति आवश्यक है। फिर तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, मिथ्या नहीं होनी चाहिए उसमें। संकल्पनात्मक बोध होना चाहिए, उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बनते रहें। प्रक्रियात्मक प्रवाह मतलब सततता से है कि ऐसे आपकी जो प्रोसेसिंग है वो प्रवाहित होती रहे, कंटिन्यू रहे। समस्या समाधान आप जानते हैं कि किसी क्यों गणित हम पढ़ते हैं, अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए। गतिविधि आधारित मतलब जैसे प्रोजेक्ट दिया, टास्क दिया, कोई काम दिया, कोई आपने उसको ऐसी क्रियाएँ कराएं जिसमें वो एक्टिव रहा, तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अधिगम वातावरण का आपका निर्माण करना है जिसमें बालक क्या करे, सृजनात्मक विकास अपना करे, मतलब का खुद निर्माणकर्ता बने। आपको सिर्फ सुविधा प्रदान करनी है और बालक स्वयं से क्या करे, समस्या समाधान करके ज्ञान को सृजित करे। फिर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। अमूर्तन मतलब विचारी, ये एक क्षमता होती है जो गणित के उद्देश्यों में आपको आती है कि जैसे मूर्त चीज़ जो देखते हैं वही जानते हैं, लेकिन अमूर्त क्या होता है, विचार है। जो डेवलप करने की आपकी क्षमता है विचार, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े समस्या समाधान जो आपकी पॉसिबिलिटी है उसको आप समझें। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य भी कहें और गणित का कार्य भी। सहभागीकरण मतलब सहभाग से खेले, गेमिंग में और बहुत सारी चीज़ों में यहाँ दिखाया जाता है। जैसे क्रिकेट की टीम है तो टीम भावना का विकास तो सहभागिता से सीखते हैं, और क्लास में कोई एक्टिविटी करा रहे तो वहाँ भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सांख्यिकीकरण भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अनुरूपता है, तो यहाँ गणित के उद्देश्यों के अनुरूप, विषय वस्तु के अनुरूप, समाज के अनुरूप, राष्ट्र के अनुरूप, शिक्षक के अनुरूप। सबसे ज़्यादा अनुरूप किसके हो, बालक के। बाल केंद्रित शिक्षा है तो अनुरूपता आपकी अनिवार्य है। फिर प्रकरण विश्लेषण, जब आपको ज्ञान की गहनता में जाना हो तो प्रकरण विश्लेषण सबसे आवश्यक हो जाता है। और आप जो गणित पढ़ाते हैं इसमें प्रकरण विश्लेषण आप करते भी हैं और बालक के अंदर ये क्षमता भी उत्पन्न करते हैं कि वो प्रकरण विश्लेषण कर सके। अनुमान एवं सत्यापन, जैसे सांख्यिकी आपका अनुमानों का विज्ञान है, वैसे ही आप चीज़ों को जब तक अनुमान नहीं लगाएंगे तब तक उसके वास्तविक उत्तर तक नहीं पहुंच पाते। इसको कहते हैं परिकल्पना। तो परिकल्पना आप लगाते हैं और सत्यापन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, जो वास्तविक उत्तर रहता है आप उसको वहाँ पे फिट करके समस्या का समाधान करते हैं। फिर है स्थिरीकरण का विकास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दृश्यीकरण और निरूपण कौशल को भी आपको डेवलप करना है। साथ ही साथ सहायक सामग्रियों का यूज़ करने से अबेकस हुआ, डैशबोर्ड हुआ, कार्ड्स हुए, ये सारी चीज़ें यूज़ करना है। तथ्यात्मक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी आपको बढ़ाना है। साथ ही साथ विविधतापूर्ण विषय वस्तु आपको रखनी है कि एक ही चीज़ पे केंद्रित देते हैं, जैसे आपके अलजेब्रा और बहुत सारी चीज़ें ज्योमेट्री है और आप देखते हैं सांख्यिकी है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग, उसमें कई विविधताएं हैं और ऐसे और विविधतापूर्ण इसका होना चाहिए जो विषय वस्तु हो। तो अगर फिर से हम देखें जो इम्पॉर्टेंट आपके बिंदु है, गणितीय संप्रेषण, अंतरवैश्यिक संबंध, कल्पना एवं तर्क का विकास, समाजीकरण, उच्च उद्देश्य, तथ्यात्मक एवं संकल्पनात्मक बोध, प्रक्रियात्मक प्रवाह, समस्या समाधान, गतिविधि आधारित अधिगम और या आपका कार्यक्रम, अधिगम वातावरण जो सृजनात्मक हो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अमूर्तन, सहभागीकरण, सांख्यिकीकरण, अनुरूपता, प्रकरण विश्लेषण, अनुमान एवं सत्यापन, स्थिरीकरण का विकास, दृष्टिकरण एवं निरूपण कौशल, सहायक सामग्री का प्रयोग एवं तथ्यात्मक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण, साथ ही साथ विविधतापूर्ण विषय वस्तु। अगर बात करें कि आपको कैसे ऑप्शन चूज़ करना है, तो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है आपको वहाँ पे परिस्थिति के अनुरूप, जैसे कक्षा एक का बच्चा है, एक से पाँच का बच्चा है, तो बहुत ज़्यादा तर्क नहीं कर सकते,
सकता, तो उसके लिए वो आप गौर कर देंगे किसको आपको ज़्यादा महत्व देना है किसको कम, ये बालक के अनुरूप होगा, विषय वस्तु के लिए, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, जो उसमें कंडीशन दी होगी उस हिसाब से आपको आंसर वापस चूज़ करना है।